आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी होममेड चॉकलेट्स की रेसिपी। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक एंड बेक विद सोनाली में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है वाइट कंपाउंड का, मिल्क कंपाउंड का और डार्क कंपाउंड का। आप चाहें तो चॉकलेट कोकोआ पाउडर से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम टेस्ट को देखें तो मेरे ख्याल से तो कंपाउंड के चॉकलेट में ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम इस पैकेट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इस कंपाउंड के पैकेट की क्वांटिटी 400 ग्राम्स है। तो मैं मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड का 200 ग्राम्स यूज़ करके यहाँ पर चॉकलेट बनाने वाली हूँ। बट अगर आपको मिल्क चॉकलेट ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर मिल्क कंपाउंड की क्वांटिटी को बढ़ा करके डार्क कंपाउंड की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। बट अगर आपको डार्क चॉकलेट ज़्यादा पसंद है तो आप डार्क कंपाउंड की क्वांटिटी को बढ़ा करके मिल्क कंपाउंड की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। रेशियो आप अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद है वैसा ले सकते हैं। अब हम डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड को कट कर लेते हैं जिससे ये इजीली मेल्ट हो जाए। तो इसे हम सिंगल सिंगल ही कट कर लेते हैं जिससे ये इजीली कट भी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने इजीली कट हो जा रहा है। तो इसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हम 200 ग्राम्स डार्क कंपाउंड और 200 ग्राम्स मिल्क कंपाउंड का यूज़ करके चॉकलेट बना रहे हैं। तो जो बचे हुए कंपाउंड हैं उसे आप कभी भी फ्रिज में स्टोर करके मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो उसमें आ जाएगा मॉइस्चर, और जिससे अगर आप उसे नेक्स्ट टाइम मेल्ट करेंगे तो वो ठीक से मेल्ट नहीं होगा। इसीलिए आपको उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखना है। यहाँ पर हमने डार्क कंपाउंड को कट कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे। जिस तरह से हमने डार्क कंपाउंड को कट करा, सेम इसी तरह से हम व्हाइट कंपाउंड को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने व्हाइट कंपाउंड को भी कट कर लिया है। अब इसे भी हम सेम बाउल में निकाल लेते हैं और इसे मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं माइक्रोवेव में इसे मेल्ट करूँगी। आप चाहो तो इसे डबल बॉयलर से भी मेल्ट कर सकते हैं। जब तक डार्क और मिल्क कंपाउंड मेल्ट हो रहे हैं तब तक हम व्हाइट कंपाउंड को भी पैकेट में से निकाल लेते हैं और इसे भी कट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये कितना इजीली कट हो जा रहा है। अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर कर देंगे तो ये बिल्कुल भी कट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसे बाहर ही स्टोर करें। तो यहाँ पे हमने व्हाइट कंपाउंड को भी कट कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे भी मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड को एक साथ मेल्ट कर लिया है और यहाँ पे हमने व्हाइट कंपाउंड को अलग से मेल्ट कर लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को हमने घी रोस्ट करके लिया है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, अदरवाइज आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। विथआउट ड्राई फ्रूट्स के भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम लेंगे एक चॉकलेट मोल्ड और इसमें हम डाल देंगे ये मेल्टेड डार्क एंड मिल्क कंपाउंड। इसे हम टैप कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे ये रोस्टेड काजू और रोस्टेड बादाम। अब हम लेंगे मेल्टेड व्हाइट कंपाउंड, इसे भी हम इस मोल्ड में डाल देंगे। इसे भी हम टैप कर लेंगे और अब हम इसे गार्निश कर लेंगे ये रोस्टेड ड्राई फ्रूट से। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम लेंगे एक दूसरा चॉकलेट मोल्ड और इसमें हम डाल देंगे नीचे की लेयर में व्हाइट कंपाउंड और इसके ऊपर से हम डाल देंगे ये रोस्टेड काजू
और अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे ये मेल्टेड डार्क एंड मिल्क कंपाउंड। इसे टैप कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे ये मेल्टेड डार्क एंड मिल्क कंपाउंड। इसके ऊपर से हम डाल देंगे ये रोस्टेड बादाम और अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे ये मेल्टेड वाइट कंपाउंड। इसी तरह से हम इस मोल्ड में मेल्टेड कंपाउंड को डाल देंगे और आप इसे अपने फेवरेट किसी भी डिजाइन में बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला मोल्ड भी रेडी हो गया है। इसे भी हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, दोनों मोल्ड को हमने फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम चॉकलेट को भी मोल्ड में से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने यमी और टेस्टी चॉकलेट्स बनके तैयार हुए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।